हेलो अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सीट। ठीक है, सीट होता क्या है? फर्टिलाइज इट ओव्यूल एस्कॉर्ट सीट। देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, जो हमारा ओरी होते हैं, ओरी से ही हमें क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। इसी तरह से जो हमारा ओव्यूल होता है, ओव्यूल से ही हमें क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन ए फ्रूट एंड सीड? फ्रूट इज रैपनिंग ओरी इज कॉल्ड फ्रूट। इसी तरह से फर्टिलाइज इट ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। ठीक है, अब देखो, स्टडी ऑफ या स्टडी अबाउट द सीड इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी। व्हाट इज स्पर्मोलॉजी? स्पर्मोलॉजी स्टडी अबाउट सीड। ठीक है, अब देखो, सीड जो होते हैं उसका अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ द सीड, पार्ट्स ऑफ सीड, इसका बेसिकली थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, नंबर वन, इसका आउटरमोस्ट, जो आउटरमोस्ट क्या होते हैं, कवरिंग होते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, सीड कोट। और जो दूसरा होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एक एम्ब्रियो होते हैं। और जो थर्ड पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कोटलीडॉन। ठीक है, अब देखो, जो सीड कोट्स होते हैं, बेसिकली मोस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होते हैं, टू कोट्स होते हैं इसका। ये टू लेयर्स होते हैं, एक आउटर एक इनर होते हैं। जो इनर लेयर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। इनर होते हैं ये इनर लेयर। और जो आउटर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेक्मेन। ये क्या होते हैं, ये आउटर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, सीड कोट, देखो इसका फंक्शंस क्या है सीड कोट का। ये प्रोटेक्शन देते हैं, इसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसको क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा, इसके बाद जो इसमें एम्ब्रियो होते हैं, बेसिकली यहां पे दो टू टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो होते हैं। एक वो एम्ब्रियो जो डाइकोट प्लांट्स में प्रेजेंस होते हैं, दूसरा मोनोकोट्स में जो एम्ब्रियो होते हैं। ठीक है, मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकॉट एम्ब्रियो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो से। सपोज देखो, अगर आप कोई एक मैच्योर जो सीड लेंगे, फिर आप उसको ओपन करेगा, तो वहां पे क्या होते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं इस तरह। ये बहुत ही छोटा होते हैं, इसीलिए मुश्किल होते हैं इसको नेकेड आई से ऑब्जर्व करना। ठीक है, हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, अब देखो, यहां पे दो इस तरह से क्या अटैच्ड होते हैं, दो कोटिलेडॉन होते हैं। और देखो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लूम्यूल। और जो रीजन्स इस नोड से, इस नोड पे दोनों कोटिलेडॉन क्या है, अटैच्ड है एक दूसरे के साथ और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ। और जो रीजन्स इस नोड से ऊपर और पेरिम्यूल से जो नीचे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। ठीक है, और देखो जो रीजन्स इस नोड से नीचे और इस टिप से जो ऊपर होते हैं, इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। और ये जो टिप जो होता है, इसको कहते हैं रेडिकल, रेडिकल। अब देखो इनका फंक्शंस, पेलिम्यूल्स एंड एपिकोटाइल जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर्मेशंस के लिए। जो जमीन के ग्रोन से जो ऊपर जो पार्ट्स रहते हैं प्लांट्स का, वो सब कहां से बनते हैं, पेलिम्यूल्स एंड एपिकोटाइल से। इसी तरह जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, चाहे वो रूट कैप हो, रूट टिप हो या रूट कॉर्टेक्स हो, वो सब कहां से बनते हैं, हाइपोकोटाइल्स एंड रेडिकल से बनते हैं। ठीक है,
अब देखो कुछ रूट्स इस रेडिकल से अरेज होते हैं, कुछ रूट्स जो होते हैं इस रेडिकल के अलावा दूसरी जगह से अरेज होते हैं। तो उसके बेस पे यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ रूट होते हैं, एक होते हैं टैब रूट, दूसरा होते हैं एडवेंटिशियस रूट। जो टैब रूट होते हैं वो कहाँ से अरेज होते हैं, इस रेडिकल से अरेज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एडवेंटिशियस रूट होते हैं वो दूसरे जगह से, दूसरे नोड से या दूसरे जगह से क्या होता है, अरेज होते हैं, ठीक है। अब देखो उसको एडवेंटिशियस रूट को हम फेब्रस रूट भी कहते हैं। टाइप रूट जो सिस्टम होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है किसका, डाइकॉट प्लांट्स का। और जो एडवेंटिशियस रूट होते हैं वो मोस्टली मोनोकॉट्स में होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहां पे क्या है, मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसे होते हैं। सपोज ये क्या है, एक मोनोकॉट सीट है, जियामेस आप लोगों ने सुना होगा, मेस प्लांट, ठीक है। उसका सीट इस तरह से रहते हैं और इसका ऑटरमोस इस तरह से एक लेयर रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एलुरॉन लेयर, ठीक है। ये क्या होते हैं, एलुरॉन लेयर होते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंस होते हैं, इन सेल्स के अंदर अल्फा एमेलेज होता है। अल्फा एमेलेज क्या है, एक एंजाइम है जिसका काम होता है स्टार्च को किस में कन्वर्ट करते हैं, ये ग्लूकोज में, ठीक है। और ये होता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में के अंदर जो होता है फुट जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। और यहां पे होते हैं हमारा एम्ब्रियो, देखो मैं आप इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं क्योंकि ये छोटा हो गया है, ठीक है। इस तरह से सपोज हमारे यहां पे देखो ये हमारा है एम्ब्रियो, ठीक है, ये हमारा है एम्ब्रियो। अब इसके ऊपर इस तरह से कुछ क्या रहते हैं, सेल्स रहते हैं या कुछ लेयर्स रहते हैं, किसके ऊपर, पेलिम्यूल के ऊपर। और इसी तरह से रेडिकल के ऊपर भी क्या रहते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स या लेयर्स ऑफ सेल्स रहते हैं। इसीलिए देखो यहां पे हम इस टिप को क्या कहते थे, पेलिम्यूल कहते थे, लेकिन हम यहां पे क्या कहते हैं, इसी टिप को हम क्या कहते हैं, इसी टिप को हम कहते हैं कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल कहते हैं, ठीक है। और देखो जो यहां पर रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल्स को हम क्या कहते हैं, कोलियो रिहेजा, ठीक है। द पेलिम्यूल प्रेजेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड द रेडिकल प्रेजेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट इज कॉल्ड कोलियो रिहेजा, ठीक है। और देखो ये क्या होते हैं, इसका कोटिलेडॉन होते हैं, कोटिलेडॉन होता है। और ये नोड्स होता है जहां पे कोटिलेडॉन इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। अब देखो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन क्या होता है, इस एम्ब्रियो को डिवाइड होना है क्योंकि इसको कन्वर्ट होना है प्लांट्स में, ठीक है, इसको बड़ा होना है, तो इसको एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी जो है इसके यहाँ पे स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इसी को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। इसलिए यहाँ पे एक फाइटो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम है जिबरेलिक एसिड। ये फाइटो हार्मोन यहां से क्रॉस होके इसमें आते हैं, फिर इस लेयर से जो एलुरॉन लेयर कहा था हमने, वहां पे क्या था, उन सेल्स के अंदर क्या डिपॉजिट थे, अल्फा एमेलेज। उस अल्फा एमेलेज को यहां पे लेके आते हैं, इस अल्फा एमेलेज का काम क्या था, इस स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ग्लूकोज में। फिर ये ग्लूकोज यहां से डिफ्यूज होते हैं और ये जो कोटिलेडॉन जो होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत डिलिकेट होता है, थिन होता है, पेपरी इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज डिफ्यूज होता है इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को और इसको एनर्जी मिल जाते हैं और ये क्या करते हैं, डिवाइड करने लगते हैं, ठीक है। और यहां से ये हमें क्या बनते हैं, प्लांट्स बनना स्टार्ट होते हैं। देखो ये दोनों यहां पे क्या होते हैं, डोकोटिलेडॉन, डाइकॉट, ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, यहां पे दो कोटिलेडॉन है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाइकोटिलेडॉन, कोटिलेडॉन होता है। अब देखो
थर्ड जो पार्ट्स होते हैं कोटिलडॉन कहते हैं इस वाले पार्ट को, एम्ब्रियो तो ये हो गया कोटिलडॉन। तो बेसिकली सीड का कितने पार्ट्स होता है, तीन पार्ट्स, एक होता है सीड कोट, दूसरा होता है एम्ब्रियो, एक तीसरा होता है कोटिलडॉन। कोटिलडॉन नंबर ऑफ कोटिलडॉन के बेस पे सीड को या प्लांट्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। वो प्लांट्स जिनमें सिर्फ एक ही कोटिलडॉन होते हैं उनको कहते हैं मोनोकॉट्स, वो प्लांट जिनके अंदर दो कोटिलडॉन होते हैं उनको कहते हैं डाइकॉट्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ सीड्स, हाउ वी कैन क्लासिफाई ए सीड्स। बेसिकली पहला जो क्लासिफिकेशंस होते हैं सीड का, देखो सीड का जो पहला क्लासिफिकेशन करते हैं हम, वो नंबर ऑफ कोटिलडॉन के बेस पे करते हैं। पहला जो क्राइटेरिया है, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशंस होते हैं, वो किसके बेस पे होता है, नंबर ऑफ कोटिलडॉन्स, कितना कोटिलडॉन्स है। उसके बेस पे हमारे पास दो किस्म की सीड्स है, एक डाइकॉट्स है, दूसरा मोनोकॉट्स है। डाइकॉट सीड एंड मोनोकॉट सीड। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। किसी सीड में क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पे ही, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे ही, ये जो एंडोस्पर्म होते हैं वो कंप्लीटली क्या होते हैं, यूज अप होते हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, और इसी को कहते हैं एक्स, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको कहते हैं एक्स अल्ब्यूमिनस सीड। अब अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंस है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, तो हम उन सेल्स, उन सीड्स को क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स, एंडोस्पर्मिक सीड्स, या अल्ब्यूमिनस सीड, अल्ब्यूमिनस सीड। देखो सबसे पहले जो सीड को क्लासिफाई किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलडॉन्स, इसके बेस पे हमने सीड को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, एक तो देखो डाइकॉट सीड्स और दूसरा था मोनोकॉट सीड्स। फिर इसके बाद जो दूसरा हमने क्लासिफाई किया किसके बेस पे, एंडोस्पर्म के बेस पे। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद अगर किसी सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंस है तो हम इसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स या अल्ब्यूमिनस सीड्स। अगर एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पे ही उसका एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज हुआ तो हम उसको कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स या एक्स अल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, इसी तरह देखो इसको भी हम प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, इसके बेस पे हम इसको भी क्या करते हैं, मोनोकॉट सीड को भी क्लासिफाई करते हैं। देखो एक होता है जिसमें एंडोस्पर्म अगर एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पे सब यूज हुआ है, सब खत्म हुआ है, तो हम उसको कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, एंडोस्पर्मिक सीड्स, या हम उसको कहते हैं एक्स अल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, इसी तरह अगर देखो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने के बाद भी अगर उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंस है तो हम उसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स या अल्ब्यूमिनस सीड, अल्ब्यूमिनस सीड। देखो कुछ एग्जांपल लिखते हैं,
वैसे छोड़ो, ये बुक में लिखा गया है, अब वहां पे चेक करो ठीक है, कि कौन सा सीड जो है इन केस ऑफ डाइकॉट्स में एंडोस्पर्मिक सीड से और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड से, ठीक है। इसी तरह मोनोकॉट प्लांट्स में कौन सा एंडोस्पर्मिक सीड से नॉन एंडोस्पर्मिक सीड से, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे ठीक है, देखेंगे, क्योंकि आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा गया है ये। अब इसके बाद देखो, अब मैं इसको रब कर देता हूं, देखो वहां पे मैंने आप लोगों को एम्ब्रियो में दिखाया था और समझाया भी था, वहां पे एक रीजन्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो पाई। ये माइक्रोपाइल फैसिलिटेट करते हैं मोस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, ठीक है। और देखो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो माइक्रोपाइल है वो सीड में प्रेजेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ पोर, और ये पोर हेल्प करते हैं सीड को इंटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है। जो माइक्रोपाइल होते हैं इन केस ऑफ ओव्यूल वो सीड में प्रेजेंस होता है एक पोर की जैसे, पोर की शक्ल में वो प्रेजेंस होता है, और ये हेल्प करते हैं ऑक्सीजन एंड वाटर को अंदर लेने में सीड का, कब, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, ठीक है। इसके बाद देखो सपोज ये सीड है, इसका फॉर्मेशंस हो गया, फॉर्मेशंस होने के बाद ये क्या होते हैं, ये उसमें जो वाटर कंटेंट होता है वो वाटर खत्म होने लगता है, ड्राई होता है सीड, ठीक है। किसी बुक में लिखा गया है कि ये 95% तक ये ड्राई हो जाते हैं, 97, 96 इसमें वेरिएशन से, ठीक है। तो क्या होते हैं, हाइड्रेशन होता है इसका, जो सीड के अंदर जो वाटर होते हैं वो बाहर रिमूव हो जाते हैं और वो सीड क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, ठीक है। कुछ हद तक वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जितनी भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं वो सब स्टॉप होते हैं, और स्टॉप होने के बाद ये सेल किस एक स्टेज में चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं इन एक्टिव स्टेट। यहाँ पे अब इस सीड के अंदर जो सेल्स हैं इनके अंदर अब कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, जितने भी फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी एक लिविंग सेल जो शो करते हैं वो सब यहाँ पे नहीं होता, और इसी पीरियड को हम क्या कहते हैं, इनएक्टिव स्टेट, इनएक्टिव स्टेज। और देखो इसको हम और एक नाम से भी जानते हैं, डोरमेंसी, डोरमेंसी। व्हाट इज मीन बाय सीड डोरमेंसी, द इनएक्टिव स्टेट ऑफ द सीड इज कॉल्ड डोरमेंसी, या आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, जितने भी जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होते हैं, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सीड एट दिस स्टेज एट स्टॉप, वो फंक्शंस में नहीं होता है, वो स्टॉप होते हैं, ठीक है। अब देखो अभी ये सीड क्या था, डोरमेंसी में था, मतलब इनएक्टिव स्टेट में था। अब जब इस सीड को क्या होता है, एक फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन मिलता है, कंडीशन मिलता है, फेवरेबल कंडीशन मींस इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है, वाटर मिलता है, न्यूट्रन मिलता है, ठीक है। तो वो सीड क्या करते हैं, जर्मिनेशन शो करते हैं, वो सीड क्या करते हैं, जर्मिनेशन शो करता है, ठीक है। अब देखो जर्मिनेशन के टाइम पे ये जो सीड होता है कुछ फैक्टर पे डिपेंड्स होता है, उस एरिया का टेम्परेचर जो होता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, और वहां पे वाटर कंटेंट होना चाहिए, न्यूट्रन होना चाहिए, उन सब पे ये क्या करते हैं, डिपेंड होता है, ठीक है। अब देखो सीड का जर्मिनेट होने की कैपेबिलिटी जिसको हम कहते हैं सीड वायबिलिटी, वायबिलिटी इज द एबिलिटी
ऑफ द सीड टू जर्मिनेट, टू शो जर्मिनेशन. इसको कहते हैं वाइबिलिटी ऑफ द सीड्स. किसी सीड्स में या किसी प्लांट कोई कहीं कहीं प्लांट के सीड्स में इसका वाइबिलिटी जो होता है, जर्मिनेशन करने का जो क्षमता होते हैं इस सीड के अंदर, वो होता है मोस्टली 1 month. लेकिन कई कई सीड्स ऐसे होते हैं, कोई प्लांट्स के सीड ऐसे होते हैं जो तकरीबन 1 साल या 2 साल या 3 साल तक या इससे भी ज़्यादा जो होता है इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, डॉर्मेंसी में रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो जर्मिनेशन शो करते हैं. तो उनका जो वायबिलिटी का जो पीरियड होता है वो लार्ज होते हैं. ठीक है, अब देखो इसके बेस पे हम ये बता सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि वायबिलिटी ऑफ द सीड्स अमंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स इज वेरिएबल. ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स का अलग अलग क्या होते हैं, वायबिलिटी पीरियड होते हैं. ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द सीड. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू वेरी मच.